अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं नई नई आइटम ले आता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ भाई ये किस तरह हुआ है। आज मैं आपके लिए एक शानदार बड़ा प्यारा आइटम लेकर आया हूँ और बड़ा दिलचस्प आइटम है। आप इस आइटम पे तवज्जो करना कि मैं ये क्या करता हूँ। अपनी नज़रें तेज रखना। ये कोई कैमरा ड्रिप नहीं है, ये हाथ की सफाई है। और इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो आपने लाइक तो लाजमी करना है। देखिए, चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, मेरे पास एक फ्रेम है, ये देख लो ना, ये बिल्कुल साफ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बहुत दूर है कैमरा, मैं आपको करीब से दिखाऊं ताकि आपको कलर नजर आए, ठीक है ना। ये देखें, ये आपके सामने ये फ्रेम नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ से मैं दिखाता हूँ क्योंकि मेरी तस्वीर नहीं आ रही, फ्रेम वगैरह बना रहा होगा। ये देखें, ये एक फ्रेम है, मैं इसको यानी उल्टा भी कर देता हूँ, आपको ये ना समझो भी इसमें कोई चीज़ है। ये देखें, मैं इसके ऊपर एक रुमाल डालूँगा। कैसे रुमाल डालूँगा? ये देखें, मेरे पास ये एक रुमाल है, मैं इसके ऊपर डालूँगा। अगर रुमाल डालूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। कमाल ये है, रुमाल ना डालो तो मज़ा आए। ये देखें, मैं रुमाल नहीं डालता। ये देखें, आपके सामने ये एक फ्रेम है, ये आपको हर चीज़ वाज नज़र आ रही होगी, ठीक है ना। इसमें कुछ चीज़ नहीं है। अब देखो, ज़रा तवज्जो करना, मैं एक्शन करूंगा। ऊपर देखो, कोई चीज़ नहीं है। इसके अंदर से क्या निकलता है देखना, नज़रा तेज करना। रेडी, 1 2 3। देखिए जनाब, आपके सामने ये कार्ड बन गया, ये आपको गालिबन नज़र आ रहा है। ये कार्ड आपके सामने ये नज़र आ रहा है ना, ये कार्ड बन गया। ये कैसा लगा आपको? अभी मैं आपको इसका सीक्रेट बताता हूँ कि मैंने ये कैसे किया और क्या किया। बहुत प्यारा आइटम है, छोटा आइटम है, आप आराम से बना सकते हो, लेकिन ज़रा मेहनत लगती है। मैंने इस आइटम बनाने में तकरीबन मुझे 2 घंटे लग गए, लेकिन आपको तो मैं सिर्फ 2 मिनट में समझा देता हूँ भाई मैंने ये कैसे किया, ठीक है ना। अभी मैं आपको इसका सीक्रेट बताता हूँ कि मैंने ये क्या किया। दोस्तों ये देखें, ये मैंने खुद तैयार किया है, ठीक है ना। ये शीशे का बना हुआ है, गलबन आप ऐसे बना लोगे। ये इसकी लंबी चौड़ाई आपको समझा दूँ। ये देखें, तकरीबन ये पेन है ना छोटा, ठीक है ना। आपने ये देखना है, ये देखिए पेन के इतना बड़ा हिस्सा बनाना है, ठीक है ना। यानी जो कार्ड है ना, ये कार्ड जो है ना, आप यूँ समझ लें ये कार्ड इसके अंदर आ जाए, ठीक है ना। इतना बड़ा बनाना है, समझ आ रही है ना। और ये शीशे का बना हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने खुद बनाया, साइड ऊपर मैंने टेप लगा दी, ठीक है ना। ऊपर नीचे सब कुछ ऐसे बना दिया। ये तो आपको गलबन समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अब उसके बाद मैंने आगे आप चलना है क्या किया मैंने, ठीक है ना। ये देखें, मेरे पास 2 कार्ड थे ऐसे, ये 2 कार्ड कोई भी ले ले आप, ठीक है ना। ये 2 कार्ड मैं एक ये नीचे रख के एक ऊपर रख कर यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, ऐसे बनाकर इसके ऊपर मैं सोलेशन टेप लगा देता हूँ थोड़ी सी, देख रहे ना, यहाँ, ताकि ये बिल्कुल बराबर हो जाए, ढीले नहीं, ठीक है ना। ये यहाँ से टेप लगा दी। उसके बाद मैं पीछे भी मुकम्मल टेप लगा देता, ये देखें ये टेप लग गई, ठीक है ना। आपको तेज़ी से बता रहा हूँ क्योंकि ये देखो, यूँ इसको बिल्कुल बराबर की तरह बंद कर देना है कार्ड को ना। 2 कार्ड है ना, ये ऐसे टेप लगा देनी है। लगाने के बाद आपने क्या काम करना है, इसके ऊपर इसके 4 हिस्से करना है। जैसे यूँ ये कागज़ है ना, ये कागज़ के इसके साथ कागज़ आपने ऐसे काट लेना है, ठीक है ना। कैसे करना है ये देखें, इसके बराबर का ये मैंने काट दिया, ठीक है ना। आपने ऐसे कागज़ काट लेना है, ठीक है ना। ये कागज़ कट गया,
ये कागज़, ठीक है ना। अब इसके चार से करने हैं ऐसे मोड़ने, ठीक है ना। मोड़ने के बाद ऐसे आपने अच्छी तरह मोड़ लेना है, ठीक है ना। और इसके बाद मज़ीद फोल्डिंग यानी और करना है, इसके चार हिस्से करने हैं, ठीक है ना। यानी काट के जो है ना चार हिस्से इसको ऐसे कटाई कर देनी है, चार हिस्से काट लेना है, समझ गए ना। ये चार हिस्से हो गए, आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें एक दो तीन चार, ठीक है ना। ऐसे चार हिस्से बिल्कुल सीधा ही काटना है, कैसे काटना है, ऐसे सीधा काटना है। ये देखें, ये मैं आपको ये चिपका दूँ इसके पीछे, ये देखें ये साइज के ऐसे काटने हैं, निशान नज़र आ रहा है ना आपको। वैसे आप इनके साथ मार्कर के साथ भी आप ऐसे वो कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं कैसे, ये देखें। एक दो और ये तीन और ये चार, ये देख रहे हो ये चार हिस्से हो गए, ठीक है ना, चार। अब आपने क्या काम करना है, चार हिस्से जो हो गए आप इसको काट देना है, ठीक है ना, चार टुकड़े कर देना है जी। एक हो गया और ये दो हो गए, ये तीन और ये चार टुकड़े हो गए, ठीक है ना, ये चार टुकड़े हो गए। आपने ये देखना है इस तस्वीर को ऐसे, ये चार टुकड़े हो गए, ठीक है ना। फिर आपने क्या काम करना है, इसको खोल देना है, ये जो आपने टेप लगाई है आपने इसको खोल देना है, ठीक है ना। ये अलग करके रख देना है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये इसके बाद ये रखना है, ठीक है ना। आप इसको भी यहाँ से उतार देंगे, ये चमक पट्टी ये जो लगी हुई है ना टेप, ये आपने ऐसे उतार देनी है, ये देखें ये उतर गया, ठीक है ना। अब एक हिस्सा यहाँ हो गया और एक हिस्सा, ये ख्याल करना ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। ये देख रहे हो ना, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ये ऐसे नहीं लगाना, ठीक है ना। आप अच्छी तरह ज़रा तवज्जो करना, ये थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, ये मेहनत करोगे तो आप बहुत कामयाब हो जाओगे। ये देखें ये टेप मैंने उतार दी, ठीक है ना, ये सोलेशन टेप जैसे मैंने अच्छी तरह उतार दी, ठीक है ना। और ये हिस्सा इधर का है और ये हिस्सा इधर का है, नज़र आ रहा है ना आपको, ये चार हिस्से हो गए। अब मैंने क्या काम करना है, ये चार हिस्से जो है ना मैं इसके ऊपर ये ऐसे लगा देता हूँ, ये देखें मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, उल्टा करने के बाद फिर मैं इसको ये टेप लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखें ये टेप मैंने लगा दी, कैसे लगाई है इसको फाड़ कर, देखें एक से यहाँ कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद ये हिस्सा यहाँ लगा दिया, ठीक है ना।
और ये यहाँ लगा दिया। देख लो ना, और ये हिस्सा यहाँ लगा दिया। लेकिन ये ख्याल करना बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखो, ये बिल्कुल बराबर हो गया आपके सामने, ठीक है ना। और इसके बाद हमने क्या काम करना है, इसको काट लेना है, ठीक है ना। काटने के बाद हमने यहाँ बिल्कुल रख देना है। रखने के बाद आप बाज़ार से एक ऐसे गुब्बारा ले लेना है, ठीक है ना। उसको आपने ऐसे काट देना है। कैसे काटना है ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं। ये अच्छी तरह इसको गुब्बारे को आपने क्या कम करना है, ऐसे काट देना है, ठीक है ना। ये ऐसा ऊपर वाला ऐसे काट दोगे और इधर से भी काट देना है, इसको छोटा काट देना, ठीक है ना। उसके बाद आपने यूँ से यहाँ से काट देना है, ये देखें। ये आपके पास तकरीबन दो गुब्बारे होने चाहिए, ठीक है ना। आपने चार इसे करने हैं या तीन करने, कोई बात नहीं, ठीक है ना। एक ही से ये उठाकर ये देख लो ना, ये आपने ऐसे खींच लेना है, ठीक है ना। ये देखें, जो मैंने ये लगाया है, हमने क्या काम करना है, इसके ऊपर ये आप एल्फी ले लेना, ठीक है ना। एक यहाँ लगा देना एल्फी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या काम करना है, ये रबर जो है ना, ये खींच कर, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं खींचना, ये तकरीबन इतना होना चाहिए, ठीक है ना। आपने ऐसे यहाँ लगा देना। लगाने के बाद जैसे अल्फी ये लगाओगे यहाँ पर, ये देखें, ये ऐसे लगा दोगे, और ये हिस्सा जो है ना थोड़ा सा इधर ऐसे लगा, ये देखिए, ये ऐसे लग जाएगी। ऐसे आपने यानी चार लगा देने हैं, तीन चार, ठीक है ना। ये तकरीबन, इसके बाद आपने इसके ऊपर जो दूसरा हिस्सा है, ये मैंने आपको दिखाऊं, ये देखें, ये दूसरा हिस्सा जो है ना, ये आपको ये देखें जनाब, ये आपको बताऊं, उसके ऊपर आपने ये जो हिस्सा है ना बन गया, ठीक है ना। आप इसके ऊपर यूँ लगा देने हैं, चार लगा देने हैं इसके ऊपर, बिल्कुल ऊपर सेट आ जाए ना, बराबर की तरह कटाई होगी। ये फिर ऐसे बन जाएगा, ये देखें, ये मैंने यूँ समझ लिया, ये इसके अंदर लगा दिए, ये देखो ना, ये रबड़ है इसके अंदर, नज़र आ रहा है ना, इसके पीछे भी है, देख लो ना। ये पहले ट्राई के लिए मेरे से ख़राब हो गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगती है। उसके बाद मैंने ये तैयार कर दिया, ये देखिए इसके अंदर ये रबड़ लग गया, ठीक है ना। अब इसके बाद ये क्या काम होता है, ये देख लो ना, अजान हो रही है, ये देखो, ये बिल्कुल इसके अंदर मैंने रबर लगा दिया, ये देख लो ना, ये डबल कार्ड है, ठीक है ना। ये रबर लग गया इसके अंदर, जो मैंने ये बनाया था गुब्बारे का निकाल कर, ठीक है ना, ये इसके अंदर लग गया। अब जैसे ये बिल्कुल मजबूत हो गया, एल्फी के साथ आपने चिपका दिया, ऊपर नीचे बिल्कुल पता नहीं चलता, ठीक है ना। और उसके बाद आपने क्या काम करना है, ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये देखिए, जैसे ये खुलेगा, ये वैसे कार्ड बन जाएगा, देख लो ना आपके सामने, ठीक है ना। अब आपने क्या काम करना है, ये कार्ड के ऊपर मैंने एक मैग्नेट लगाया है, कैसे, ये मैग्नेट है, ठीक है ना। ये मैंने मैग्नेट यहाँ लगा दिया, ठीक है ना, ये मैग्नेट लग गया ऊपर यहाँ पर। ये जब फोल्ड करोगे ना, ये देखें, ये ऐसे फोल्ड करोगे पहले, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये ऊपर मैग्नेट लग गया, ठीक है ना। और इसके पीछे भी मैग्नेट लगा हुआ है, ये इसके अंदर मैग्नेट लगा दिया, ठीक है ना। अब ये हिस्सा जो है, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ये देखें,
ये अंदर नहीं जाएगा। अब हमने क्या काम करना है, ये पेन की मदद से इसको ऐसे दबा देना है, ये दब गया, ठीक है ना। अब ये देखें, ये मैग्नेट इसके अंदर लगा हुआ है, इधर भी मैग्नेट है, ये फ्रेम है, ठीक है ना, ये नीचे मैग्नेट है, ठीक है ना, ये अब ऊपर मैग्नेट है, नीचे मैग्नेट है, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने ऐसे एक्शन करता हूँ, ऊपर हाथ से दिखा देता हूँ, यूँ दिखा देता हूँ, पीछे ऊपर जैसे उल्टा करो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे ऐसे हिलाने से नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ से मैंने ऐसे जहाँ पकड़ता हूँ ना, यही से जो खोलता हूँ, ये मैग्नेट से जब अलग होता है, ये खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। कैसे आता है ये देखें, ये एक मैं एक्शन करता हूँ, एक दो तीन, ये देख लो ना, ये कार्ड फिर निकल आया, देख लो ना, ये देखें, दोबारा देखें, दोबारा आपको समझाऊँ, ये देखें, ये आपने क्या काम करना है, ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है ना, ऐसे फोल्ड करना है, फिर ऐसे, ठीक है ना। फोल्ड करने के बाद आप फिर इसके अंदर दोबारा इसके अंदर रखोगे, ये हाथ नहीं जाता, ठीक है ना, आप पेन की मदद से इसको इसके अंदर रख देना, ठीक है ना। ये देखें, एक मिनट, इसको आपने फोल्ड करना है, तकरीबन आपको 100% समझ आ गई है, ये आपने इसके अंदर रख देना है, ठीक है ना। रखने के बाद इसके पेन की मदद के साथ इसको ऐसे दबा देना है, ठीक है ना, ये देखें, ये जहाँ वो मैग्नेट रहा, ऊपर मैग्नेट, अंदर मैग्नेट है, नीचे मैग्नेट है, ठीक है ना, ये ऐसे हिस्सा खुला हुआ है, ठीक है ना। अब मैग्नेट अंदर जो है ना, जैसे मैग्नेट अगर हाथ से ऐसे ऊपर करोगे फिर भी नहीं आएगा, इसको आप रिंग भी लगा सकते हो, ठीक है ना, ऊपर ढक्कन भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है, जिस तरह आप अच्छा बनाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, स्टेट के ऊपर करने के लिए बड़ा दिखाना चाहते हैं, जैसे आप हाथ के साथ ये जो थंब है ना मेरा, इसके साथ ये हिस्सा, ठीक है ना, ये यहाँ ऐसे लगता है वहाँ पर, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के ऊपर मैंने एक कागज़ लगाया, ठीक है ना, ये देखें, ये कागज़ है, ठीक है ना। अब जैसे हाथ के साथ ऐसे मैं यहाँ करता हूँ, ये देखें, ये अपने हाथ को, ये थंब है ना, थंब के साथ भी आप कर सकते हैं, ये देखें, ये जैसे थंब के साथ, ये देखें, ये ऐसे करोगे उसको, मैग्नेट को नीचे करोगे, ये खुद ब खुद, ये देखें, 1 2 3, ये देखें, ये हिस्सा ऐसे आ गया, ये कार्ड बन गया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।